नमस्कार, मैं हूं सुदव खान। आप देख रहे हैं News 21 TV। आइए देखते हैं ये खास खबर। रॉयल पब्लिक स्कूल के MD चरण शर्मा ने कहा कि शिक्षा ही सफल जीवन जीने का मंत्र है। शिक्षा ही हमें जीवन जीने का सलीका सिखाती है और हमें अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। लेकिन उन्होंने कहा कि शिक्षा पर सरकार के साथ साथ हम सभी को काम करने की जरूरत है और विदेशी शिक्षा की तरफ ना भागते हुए हमें अपने देश की संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए। आज के इस युग में सबसे दुखद बात यह है कि आज गुरु और शिष्य के बीच वो भावना नहीं रही जो पुराने समय में रहा करती थी। मेरा नाम चरण शर्मा, चेयरमैन ऑफ रॉयल पब्लिक स्कूल कुसलीपुर। सर, शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जा सकता है, इस संदर्भ में आप अपने विचार दीजिए। सर, शिक्षा को हम तीन पार्टी हैं या तीन विभाग हैं जिसमें पेरेंट्स, टीचर और मैनेजमेंट, तीनों की ही टाइम टू टाइम अगर कोऑपरेट किया जाए, अपना टाइम बच्चों को दिया जाए तो शिक्षा के स्तर को सुधारा जा सकता है। पेरेंट्स अपने बच्चे का डेली होमवर्क चेक करें, टीचर्स ध्यान से पढ़ाएं और मैनेजमेंट टीचर्स को गाइडलाइन दें। नैतिक मूल्यों में गिरावट, जिम्मेवार कौन, शिक्षक, अभिभावक या समाज? मेरे हिसाब से सर, हम तीनों ही इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, क्योंकि पेरेंट्स के पास आज की डेट में बच्चे को समय देने के लिए उनके पास समय नहीं है। टीचर्स के पास केवल किताबी हैं, वो नैतिक चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नैतिक मूल्यों में यौन शिक्षा को क्या पाठ्यक्रम में शामिल करना चाहिए? अगर हाँ तो किस क्लास से, अगर नहीं तो क्यों? पाठ्यक्रम का तो जहाँ तक विचार है सर, वो तो विभाग जानेगा, लेकिन गाइडलाइन स्कूल में हमेशा टाइम टू टाइम, वीकली, मंथली बच्चे को गुड टच और बैड टच बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि बेटा ये आपका, उसमें आपका इंक्लूडिंग ड्राइवर भी है, आपका मैनेजमेंट भी है, टीचर्स भी हैं और कंडक्टर भी है। सर, आज प्राइवेट स्कूलों पर फीस वसूलने का मनमानी का आरोप लगता है और कहा जाता है कि शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया गया है, आप कहाँ तक इस बात से सहमत हैं? सर, इसमें प्राइवेट जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में स्कूल चाहे वो छोटे लेवल का है चाहे बहुत बड़े लेवल का है, प्राइवेट सेक्टर में जो मिड रेंज के हैं स्कूल हैं और जो लो रेंज के स्कूल हैं, उनकी मजबूरी होती है, उनकी अपनी मनमानी है, लेकिन अगर जायज़ रूप से फीस ली जाए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। शिक्षा का जीवन में क्या महत्व है, इस पर सर आप विचार दें। शिक्षा ही सर सब कुछ है। शिक्षा से हम हमारे नैतिक, हमारी एजुकेशन शिक्षा के पीछे ही है सर। समाज, अगर हम शिक्षित हैं, शिक्षित के साथ अगर हमें नैतिक चीज़ों पर भी ध्यान दें तो समाज सुधर सकता है।